माई चैनल आशाज स्पेशल किचन। सो लेट्स गो टू द किचन। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मटर की खस्ता सी और बहुत टेस्टी सी कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें कुछ मसाले भूनेंगे और इनको हम कचौड़ी में डालेंगे। तो ये हमने जीरा डाल लिया आधा चम्मच, आधा चम्मच सौंफ और एक साबुत लाल मिर्च। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर ठंडा करके हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं। इसे हम रख लेते हैं ठंडा करने के लिए और फिर से हम फ्लेम पर कढ़ाई को रखते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने फिर से मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और इसमें हम अपनी मटर को ऐड कर लेंगे जो हमने छील के और धो के अच्छे से रखी है। उसको हम लाइट सा पकाएंगे जब तक कि वो 50% पक जाए कम से कम, तब तक हम इसे पकाएंगे और इसे थोड़ा सा भून के हम इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारे मटर में नमक का स्वाद अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स, अब हमारी मटर अच्छे से भुन गई है और यह पक भी गई है। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम दोबारा से कढ़ाई को चढ़ा रहे हैं फ्लेम पे और इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं और आधा ही चम्मच इसमें हमने सौंफ डाला है और आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 3-4 पिंच इसमें हम हींग डाल रहे हैं। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें हम 3 चम्मच बेसन डाल रहे हैं और बेसन को जब तक कि खुशबू ना आ जाए उसमें भुनने की, तब तक हमें भूनना है। बेसन डालने से हमारी जो बाइंडिंग है अच्छे से हो जाएगी और हमारी कचौड़ियाँ भी कहीं से भी नहीं फटेंगी। तो देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और ग्रीन चिलीज भी मैंने 2-3 काटी हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डाल लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी टेस्टी कचौड़ियाँ लगेंगी। और इसमें हमने जो रोस्ट करा था मसालों को, जिसमें कि जीरा और सौंफ और एक लाल मिर्च थी, उसे हमने दरदरा पीस लिया था, उसको भी हमने ऐड कर लिया है। और बस अब हमें इसमें कोई मसाला और नहीं डालना है, बस चॉप्ड करा हुआ इसमें हम धनिया डाल लेते हैं। और धनिया डालने से तो हर चीज़ में टेस्ट डबल हो जाता है। रेडी है तो हमारा ये मिक्सचर। ये हम कचौड़ी के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो ये हमने मैदा लिया है, 2 कप मैंने ये मैदा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए नमक का। और आधा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाला है और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल मैंने 5-6 चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला है, कम भी नहीं। अब हमें खस्ता कचौड़ी बनानी है तो हमें ऑयल तो डालना ही पड़ेगा, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस मैदे में नमक और जो रिफाइंड का मोयन हमने डाला है उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं हमारे आटे में, अच्छी तरह से मोयन पूरा चारों तरफ मिक्स हो जाए। और देखेंगे हम मुट्ठी में बांध के कि हमारी मुट्ठी में आटा बंध रहा है, तो समझिए हमने मोयन बिल्कुल सही डाला है।
तो फ्रेंड्स हमारे आटे में मोइन अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे अपने आटे को। हमें आटा ऐसा लगाना है, ना तो ये बहुत हार्ड होना चाहिए ना ही बहुत ढीला हमारा आटा होना चाहिए। हमारा आटा हमें जैसे कि बहुत हार्ड होता है ना, उसे थोड़ा सा कम रखना है हार्ड। तो फ्रेंड्स हमारा आटा रेडी हो गया है, हमने इसे गूंद लिया है। देखिए दबाने से आपको दिख रहा होगा यह बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। ऐसा ही आटा आपको गूंद के रख लेना है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेते हैं। फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और हम डो को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा डो बिल्कुल सेट हो चुका है और अब हम इसे एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं और इसमें से हम लोइयां काटना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स हमने ये लोइयां तोड़ ली हैं, इसमें से ये हमने मीडियम रखी है और अगर आपको कचौड़ी बड़ी रखनी है तो आप थोड़ी बड़ी काट लीजिए, आपको छोटी कचौड़ी रखनी है तो आप छोटी लोइयां काट लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोई को चिकना करके इस तरह से गोल साइज देंगे, अंगूठों और उंगली की हेल्प से हम साइड इसकी इस तरह से फैलाएंगे और इसके बीच में जो हमने मटर की फिलिंग रेडी करी है उसको भी गोल साइज देंगे और इसके बीच में हम जो प्रेस करके दबा के इसे भर लेंगे और साइडों को इस तरह से गोल गोल करते हुए चिपकाते जाएंगे और जो ऊपर का एक्स्ट्रा जो आटा हुआ उसको हम निकाल लेंगे और इस तरह हाथों से ही दबा के हमको इस तरह से देखिए ये हमें रेडी कर लेना है अपनी कचौड़ी को। थोड़ा सा आप हाथों में दबा के इसको प्रेस कीजिए और थोड़ा सा आप चकले पे भी दबा के इसकी साइडें जो है पतली कर कर के रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इस तरह से भी कचौड़ी को रेडी कर सकते हैं, आप उंगलियों के हेल्प से चकले पे ही फैला लीजिए इस लोई को और उसमें जो आपने फिलिंग बनाई है उसकी भी आप बॉल तैयार करके इसके बीच में रख लीजिए और जिस तरह से हम दबाएंगे इसी तरह से आप बीच में रख के लोई को और चारों तरफ से इसको ऐसे पकड़ पकड़ के इसको आप दबा लीजिए, आपस में चिपका लीजिए और इस तरह से गोल करके एक्स्ट्रा आटा उसके ऊपर का आप निकाल लीजिए और बिल्कुल आप इसी तरह से आपको दिख ही रहा होगा इस तरह से हाथों से दबा दबा के आप कचौड़ी इस तरह भी रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कचौड़ी को ऑयल में डाल लिया है और हमने गैस की फ्लेम अभी लो ही रखी है, आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कचौड़ियों को तलना है। आपको पहले धीमी ही आंच पे इसे डालना है, अगर आपने फ्लेम शुरू में ही तेज कर दी तो आपकी कचौड़ियां करारी नहीं बनेंगी। तो आपको गैस की फ्लेम पहले धीमी ही रखनी है, बाद में आप इसे मीडियम कर लीजिए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बस तेल को चला लेंगे। अब हम कचौड़ी को पलट लेते हैं क्योंकि एक साइड हमारी सिक चुकी है। तो देखिए
ये कितनी बढ़िया हमारी सिकी हैं कचौड़ियाँ। इसी तरह से आप मीडियम फ्लेम पे सेकिए और लो फ्लेम पे सेकिए कचौड़ियों को, तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही करारी रेडी होंगी। तो देखिए इनमें कितना बढ़िया कलर भी आ गया है, और ये देखने से ही आपको बिल्कुल खस्ता और बहुत ही कुरकुरी कचौड़ियाँ नज़र आ रही होंगी।